वो देखो ओमवीर भी आ गया। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। बेटा ये अपनी बेटी सुलक्षणा का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए। रामेश्वर जी हमें तो ओमवीर जैसा ही होनहार दामाद चाहिए था। हाँ 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 रामेश्वर जी, सुलक्षणा भी लाखों में एक है, एमए पास है। तंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सुलक्षणा को तू जानता है उसे? हाँ मैंने देखा है उसे। बताना यार कैसी है वो? थोड़ी मोटी है, थोड़ी महंगी भी है, लेकिन तेरे लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी मोटी है, थोड़ी महंगी है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो सीधा सीधा कह देना कि वो सुंदर है। वो बहुत सुंदर है। देख उम्मीद यही है सुलक्षणा भाभी। बड़ी श्रद्धा से माथा टेक बहू, हम सती माता को बहुत मानते हैं। एक बात पूछो। पूछो। ये माँ रोज रोज सती के मंदिर क्यों जाती है? माँ सती के मंदिर इसलिए जाती है, पहले ये खाओ तब बताऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में सती माता की बहुत मान्यता है। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अगर आपकी इजाजत हो तो बाबूजी से बात करें। वकील साहिबा। दरअसल मैं पहले शकुंतला की राय जानना चाहता था, फिर तुझे कुछ बताना चाहता था उम्मीद। अरे यार विजय देख, अगर बचपन का दोस्त जीजा बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आज ही बाबूजी से तुम दोनों की बात करता। तो क्या अपनी शकुंतला भी? जी। भाई वाह, हमारे घर में इतना सब कुछ चल रहा है और हमें खबर तक नहीं। वकील साहब जी, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो ये जमीन मुझे चाहिए। वैसे तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर है, फिर भी सोचता हूँ क्या हो सकता है। भाभी साहब इसे स्कूल क्यों नहीं डालती? कितना शौक है इसे पढ़ने का। क्यों स्कूल भेज के बिगाड़ना है क्या इसको? हमें देखो, हम तो कभी स्कूल नहीं गए, तब भी घर में राज कर रहे हैं राज। भाभी सा राज सिर्फ घर में नहीं होता, इसे इतना काबिल बनाओ कि अपने दिल दिमाग जिंदगी तीनों पर राज कर सके। अब तो तन मन से अपने पति की सेवा कर, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। रामेश्वर जी मैं तो इसलिए आया था कि सुलक्षणा को दो चार दिन के लिए घर ले जाऊं, पर अब बेटी तू हिम्मत मत हार। ये क्या हो गया मेरी सुलक्षणा के साथ? अभी अभी तो उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ही की थी और तूने उसके खुशियों के सूरज को उदय होते ही अस्त कर दिया। अब मैं घर जाऊं भी तो कैसे जाऊं? क्या सुलक्षणा की मां इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? ओमवीर को कैंसर। कैंसर? बहू मैं सती माता के मंदिर होकर आती हूँ। जी माँ। एक बात पूछो। पूछो। ये माँ रोज रोज सती के मंदिर क्यों जाती है? माँ सती के मंदिर इसलिए जाती है, पहले ये खाओ तब बताऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में सती माता की बहुत मान्यता है। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। बाबूजी
भाभी तुम चिंता मत करो, भैया ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे मेरे खाते न सही पर आने वाले बच्चे के लिए जिसका उनको बेसब्री से इंतजार है, उसे माथे पे चूमेंगे, गोद पे खिलाएंगे। भाभी थोड़ा तो खा लो। भैया के खाते भाभी, आने वाले बच्चे के खाते। अच्छा छोड़, मेरे खातिर खा लो, खा लो ना भाभी, खा लो, खा लो भाभी। बस तुम हर शकुंतला, तुम दोनों ही ऐसे हो जो मेरे और सुलक्षणा के दर्द को समझते हो। यार विजय एक बात कहो, मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन मुझे तुझ पर और शकुंतला पर पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद मेरे होने वाले बच्चे और सुलक्षणा का तुम लोग पूरा साथ दोगे, इन्हें इनका हक दिलाकर रहोगे। तू उससे बस वादा कर विजय कि हर हाल में हर मुश्किल में तू साथ देगा सुलक्षणा का। तसल्ली रख यार, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तेरा होने वाला जीजा कह रहा है और तेरा जिगरी दोस्त भी, यार तू ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाऊंगा विजय, कम से कम इस वक्त तो ऐसी झूठी तसल्ली मत दे मुझे। तुझसे एक वादा मांगा है, वो वादा दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, लेकिन यार उम्मीद तो ठीक हो जाएगा यार, तो ठीक हो जाएगा। बाबूजी फिर बिगड़ रही है। सौमवीर तुम जल्दी जाओ, डॉक्टर को लेके आओ, जल्दी करो बेटा। जा भाग बेटा। सौमवीर की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में इसके पांव इस घर में पड़े थे, जब से ये आई है मेरा बेटा तो बीमार ही रहने लगा है। कल वो ही मरती भी तो नहीं है। सासू माँ, इसका नाम सुलक्षणा नहीं कुलक्षणा होना चाहिए था। क्यों हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो सुलक्षणा भाभी के? भैया को लेकर वो कम परेशान है कि जो आप दोनों ऊपर से जले पर नमक छिड़कती रहती है। जा जा यहाँ से, भाई को जाके देख। सीबी कुछ ज्यादा ही बोलती है। कैसे हो अम्मी? जोर से सांस ले, पीछे पीठ से, जोर से सांस ले। सीधा कर दीजिए।
ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। देखिए कोई दवा काम नहीं करेगी, जिसको मिलने के लिए बुलवाना हो बुला लीजिए। सुलक्षणा जरा मेरे पास आओ। लगता है तुमने आज भी फिर कुछ नहीं खाया। सुलक्षणा अभी होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें जमीन जायदाद में से कुछ नहीं देना चाहेंगे। हो सकता है ये तुम्हें इस घर से भी निकाल दे, लेकिन तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। आखिर हमारे इस होने वाले बच्चे की तुम्हें अच्छी परवरिश करनी है ना। मुझे माफ कर दो सुलक्षणा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा रहा हूं। जब सबने हमने देखे थे भैया, भैया, माँ, बाबूजी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तुम इसको सुला दो, तुम यहीं रहना, तुम आना मत। कल जो होना था हो गया। निकल गई मेरे बेटे को, मम्मी को तो खा गई, अब आप सबको खाएगी क्या? निकल जाओ यहाँ से, निकल, निकल तू, निकल यहाँ से। अरे जानो, निकल यहाँ से, चल भाग। बच्चा, जो होना था सो तो हो गया, अब आगे की सोचो, इसका सोचो, इसका क्या करना है? ये यहां रहेगी तो जायदाद में अपना हिस्सा भी मांगेगी। पढ़ी लिखी है, कोई बेवकूफ तो है नहीं। मैंने सब सोच लिया है, जिंदगी का तजुर्बा है मुझे। इसको सती कराने की तैयारी शुरू कर दो। क्या? ओमी के साथ इसे भी हम विदा कर देते हैं। ये ठीक रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर हम लोग इसे सती बना देंगे तो समाज में हमारा नाम होगा। क्या? अगर अगर ये जिंदा रही तो ये हमारी इज्जत को जरूर नीलाम कर देगी। लेकिन ऐसे मानेगी नहीं है, मेरी बात मानो तो इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये ठीक रहेगा, लोग समझेंगे कि ये सदमे में है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया तरकीब सोची आप लोगों ने अपनी बहू को मारने की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अभी बेटे की अर्थी तक नहीं उठी और आप लोग भैया की लाश पर उनकी विधवा और होने वाले बच्चे का हिस्सा हड़पने का षड्यंत्र रचा रहे, वो भी उस बेचारी को जिंदा जलाकर। इतना भी नहीं सोचा आप लोगों ने कि भाभी के गर्भ में आपके ही बेटे का अंतिम अंकुर पनप रहा है। छी, लेकिन लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। देखती हूँ कौन भाभी का बाल भी बांका करता है। दिमाग तो नहीं फिर क्या है तेरा? वो कल मोही की तरफ से बात कर रही है। इतने दिनों से पाला पोसा है मैंने तुझे। पाला पोसा तो आपने भैया को भी था और आज भूत चवर छड़कने लगी है तू। खींचकर तालुए से चिपका दूंगा।
अरे दो चार किताबें क्या पढ़ ली, अपने माँ बाप को उपदेश देने लगी। उपदेश नहीं दे रही हूँ भैया, दर्पण दिखला रही हूँ। आज जो आप अपनी बहू के साथ करने जा रहे हैं, कल वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। बाबूजी, बाबूजी, आप भैया का अंतिम संस्कार तो करो। ये क्या हो गया सबको? ये ऐसे अपनी चोच बंद करने वाली नहीं है। इसका इसको ले जाए ऐसे यहाँ से। इसका इलाज मैं करूँगा। क्या है? चल, रुक, रुक। और एक बात करता हूँ। अंदर होगी इसमें। हम समझ में आएगा। अब आप सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए ताकि सती की रस्म पूरी की जा सके। ठीक है पंडित जी महाराज।
चाची 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 को मन चलाओ, आप बंदी हो। चुप। चाची को मन चलाओ। ये तो पहले से ही गम से मरी जा रही थी, देखो इसे तो जरा भी सुध-बुध नहीं है। लगता है इसे किसी ने नशे का इंजेक्शन दिया है। चलो अच्छा ही है, बेचारी को तकलीफ कम होगी। जाने जा रहे थे और तो और ढोल ताशे बजाकर जश्न मना रहे हैं आप लोग। वाह, अरे अरे आप सबसे बहादुर तो ये लड़की है जिसने आप सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई है। कहां भर गई तुम्हारी अंदर की शक्ति, औरत होकर भी तुम औरत की पीड़ा को नहीं समझती। प्रिया आपको मां कहती हो, मां। विजय, अगर आज तुम वक्त पर नहीं आते तो ये लोग मुझे भाभी के साथ आग में ढकेल देते। इन्हें तो सभी जायदाद चाहिए, बहू बेटी नहीं, नहीं। ये बहन एकदम ठीक कह रही है, किसी की भी जान लेना चाहे फिर वो सती प्रथा की आड़ में क्यों ना हो, गैर कानूनी होता है। सबको ऐसे भाभी, उठो भाभी, उठो उठो भाभी। आज आपको बचाकर हमने सती प्रथा को दफन कर दिया है। ये प्रथा हमारे समाज और देश को एक नाक की तरह डस रही थी, और इसका इलाज बस एक है कि हमारे देश का हर एक नागरिक साक्षर हो, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वो अचूक शस्त्र है जो हर अंधविश्वास का खात्मा कर सकती है, एक नई सोच, एक नई उमंग सबके जीवन में ला सकती है। धन्य बेटे, ऐसी बेटी घर घर में हो। कमाल की बात है ना माँ, जन्म एक औरत देती है और आशीर्वाद दूसरी। असली माँ तो वो है जो ममता लुटाए, ना कि अपनी बहू बेटी को लूट खाए। रामलाल, पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लो, उसे ही पकड़ कर लाओ। चलिए चलिए, चल चल चल, यस गो। भाभी, मुझसे बस वादा कर विजय कि हर हाल में, हर मुश्किल में तो साथ देगा सुलक्षणा का। बस तुम हर शकुंतला, तुम दोनों ही ऐसे हो जो मेरे और सुलक्षणा के दर्द को समझते हो। यार विजय, मुझे तुझ पर और शकुंतला पर पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद मेरे होने वाले बच्चे और सुलक्षणा का तुम लोग पूरा साथ दोगे। मैं तुझसे वादा करता हूँ।